हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि जैन। आज हम आपको बताएंगे अपना खुद का ही हेयर कलर हम कैसे करेंगे। वैसे अक्सर हम पार्लर में जाके हेयर कलर करवाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे पास थोड़े थोड़े आगे से ही अगर बार बार हेयर वॉश करने की वजह से आगे आगे के बालों में वाइटनेस आ जाती है, तो टाइम भी कम होता है और कलर भी बहुत थोड़ा लगवाना होता है। तो हमें लगता है कि हम खुद ही अगर टचिंग कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे हमें टाइम भी बच जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये गार्नियर का हेयर कलर है, ये गार्नियर का हेयर कलर है, इसके अंदर दो पाउच निकलते हैं इस तरह से। एक ये क्रीम है और ये इसका एक्टिवेटर है, डेवलपर। ये ग्लव्स, सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे ताकि कलर हमारी उंगलियों पर नहीं आए। अब ये हम कलर मिलाएंगे, बालों के हिसाब से हम कलर लेंगे। बालों के हिसाब से हम लेंगे जितनी हमें बालों की रिक्वायरमेंट है। जितना हमने कलर लिया है उतना ही हम डेवलपर इसमें डालेंगे। डेवलपर हम ना तो ज़्यादा डालना चाहिए ना कम, जितना हमने क्रीम लिया उतना ही डेवलपर, क्योंकि पाउच में भी इक्वल क्वांटिटी आती है इनकी। अब इस तरह से हम बालों को पहले कॉम्ब कर लेंगे। अब कलर को अच्छी तरह मिक्स करके ये टेल कॉम्ब है, इससे हम पतली पतली लेयर हटाएंगे। इस तरह से हम आगे अपने बालों में कलर लगाएंगे। सबसे ज़्यादा बालों में वाइटनेस आगे की तरफ ज़्यादा आती है, क्योंकि हम बार बार हेयर वॉश करते हैं तो उससे कलर जल्दी उतर जाता है। कोशिश ये करें कि बालों के रूट्स में ज़्यादा कलर ना लगे। इस तरह से हम पतली पतली लेयर निकाल के इनके बीच में कलर लगाएंगे। कलर हम गार्नियर का, लोरियल का, रेवलॉन का, कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। क्वांटिटी मिलाने का तरीका सब में यही होता है, क्वांटिटी ऑलमोस्ट बराबर ही लेते हैं। कॉम्ब की हेल्प से हम बालों में कलर लगाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमारे पास कोई दूसरा हो या हमें पार्लर जाने का टाइम हो और हमें कहीं अर्जेंट जाना है, तो कभी कभी हम स्वयं घर पे भी ये कलरिंग कर सकते हैं। वैसे अगर फुल बालों में कलरिंग करवानी है तो हमें पार्लर में जाके करवाना चाहिए। टेम्परेरी हमें काम चलाना है तो हम घर में
कर सकते हैं। से एक पोर्शन सेक्शन हमारा पूरा हो गया। इसको रखने का भी हर कलर में अलग अलग आता है। इसका 45 मिनट्स का टाइम होता है। कुछ कलर्स में इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि वो 15 मिनट्स का ही होता है, तो जिस कलर में जितने टाइम पीरियड लिखा होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही हेयर रेज करनी चाहिए। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी में 15 मिनट्स लिखा है तो 15 मिनट्स में ही बालों को हमें धो लेना चाहिए। ठीक है, हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग उनमें केमिकल्स होते हैं, इस वो अपने अकॉर्डिंग ही टाइम सेट करते हैं, इसलिए हमें उनके ही रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से टाइम पीरियड को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि हम डेली अपने वीडियोस डालते हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे देखने को, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इस तरह से हमारा 5 से 10 मिनट्स में कर्लिंग का सेकंड सेक्शन भी पूरा हो गया। अब एक बार हम देख लेंगे कि कहीं बाल छूट तो नहीं गए या कोई बीच में रह तो नहीं गया बाल। अगर कलर एक्स्ट्रा है तो हम उसमें भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा कलर अच्छी तरह बालों में लग चुका है। आगे आगे हमारी टचिंग पूरी हो चुकी है, और अगर हमें पीछे तक लगाना है तो हमें पार्लर में ही जाके हेल्प कर ली लेनी पड़ेगी। हमें पूरा कलर फुल कलरिंग हमें पार्लर में करवानी पड़ेगी। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम 15 मिनट के ये इस कलर का 45 मिनट का टाइम है। 45 मिनट के बाद हम इस कलर को धो लेंगे बालों को। थैंक यू।